हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने 13 चैप्टर का हाफ पोर्शन कंप्लीट किया था। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 146। पहले तो सिंपल पेंडुलम कैसे कहते हैं, जो एक सिंपल टाइम पीरियड में दिखाए उसे सिंपल पेंडुलम कहते हैं। और इसे एक जो हमें आपने देखा हो तो वॉच, पहले पुराने ज़माने के जो वॉच आते थे उसके अंदर ऐसा पेंडुलम जैसा आता था, उसे क्या कहते हैं, बोब कहते हैं। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटालिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंड फ्रॉम अ रिगिड स्टैंड बाय अ थ्रेड। द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड द बोब ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम जो एक स्मॉल मेटालिक बॉल होता है जिसके अंदर नीचे फिक्स्ड किया जाता है सम एक पीरियोडिक टाइम तक, उसे क्या कहते हैं, बोब ऑफ द पेंडुलम, जो यहाँ पे दिखाया गया है फिगर के अंदर। जो दिखाया गया है पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मेन पोजिशन व्हेन द बोब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज आफ्टर टेकिंग इट साइलेंटली टू वन साइड इट बिगिन टू मूव टू एंड फ्रो। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक और एन एक्सेलरेटरी मोशन। यानी कि यहाँ से स्टार्ट होने से यहाँ तक और यहाँ तक जाने से यहाँ तक फिर से वो तक स्टॉप होता है, उसे उसका जो मोशन होता है उसे ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। और एक यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ ए पर जाता है और ए से वापस ओ तक आता है और ओ से फिर से बी तक जाता है और बी से फिर से ओ तक आता है। तो यहाँ पे आने से एक पूरा राउंड लगाता है, उसे क्या कहते हैं, एक ऑक्सीलेशन कहते हैं। और वो टाइम होता है उसे एक पीरियड टाइम कहते हैं, ऑक्सीलेशन और ऑक्सीलेटरी टाइम कहते हैं। एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है उसे एक ऑक्सीलेशन टाइम कहते हैं। यानी कि अगर एक जो बोब होगा वो 20 टाइम पूरा राउंड कंप्लीट करेगा तो उसके कितने ऑक्सीलेशन हुए हैं, 20। और जितने पूरे राउंड कंप्लीट करता है यहाँ से यहाँ स्टार्ट करने के बाद फिर से वहाँ ओ तक आए, इसे क्या कहते हैं, एक ऑक्सीलेशन कहते हैं। तो 20 टाइम पूरा जाता है तो उसे 20 ऑक्सीलेशन कहते हैं। और यही यहाँ पर दिया हुआ है एक्टिविटी में। या अगर आपका जो जितने जितना टाइम कंज्यूम करता है, यानी कि 20 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में कितने सेकंड लगता है, 42। तो आपका टाइम पीरियड क्या हुआ, तो आपको 42 से, तो अगर आपका एक ऑक्सीलेशन जो 20 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में 42 सेकंड लेता है, तो जो सेकंड लिए हो उसे, सॉरी ये गलती से ऊपर नीचे हो गया, तो पहले और टेकन टाइम आएगा, ऊपर टेकन टाइम यानी कि 42 सेकंड और डाउन में उसके नीचे टेकन टाइम। अगर उसे डिवाइड करोगे आप तो 42 डिवाइड बाय 20 यहाँ पे करोगे कि 42 डिवाइड बाय 20, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2.1। तो आपको आपका टाइम पीरियड मिल जाएगा। ऐसे आपको इसके सम्स आएंगे इजी, थोड़े आपको डिविडिशन नहीं करना होगा, ऐसे सम आएंगे जिसके थ्रू आप अपना टाइम मेजर कर सकते हो, टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हो ऑक्सीलेशन के थ्रू। यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट आर रिटन इन सिंगुलर। आप जानते हो कि जो यूनिट्स होते हैं उसे सिंगुलर में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी राइट 50 किलोमीटर एंड नॉट 50 किलोमीटर्स, एस नहीं लिखा दे, सिर्फ सिंगुलर लिखा जाता है किलोमीटर्स। इसलिए हमें पीछे अगर आप यहाँ पर लिखोगे तो स्पीड का यूनिट क्या है, डिस्टेंस पर टाइम, एंड बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड का एम पर सेकेंड यानी कि मीटर पर सेकेंड, ये बेसिक है। यानी कि मेन यूनिट होता है स्पीड का वो क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो ये आपको याद रखना है। और ये अगर आप मीटर पर मिनट लिखोगे तो ये नहीं होगा, किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हो। तो ये यहाँ पे आपको यूनिट दिए हुए हैं और हमेशा यूनिट को ऑलवेज सिंगुलर में लिखा जाता है, प्लूरल में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि उसके पीछे एस नहीं लगते हैं। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है थोड़ी बहुत जो आपको रीड कर लेनी है। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, टेकन टाइम डिवाइड बाय ऑक्सीलेशन इक्वल टू टाइम मेटेरियड मिलेगा। तो इसके आपको सम्स आएंगे थोड़े एग्जाम के अंदर। उसके बाद आता है मेजर स्पीड। मेजर स्पीड कैसे मेजर करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप
कहीं पे हैविंग लर्न हाउ टू मेजर टाइम एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो जितना कोई भी ऑब्जेक्ट ने स्पीड का जो स्पीड होती है उसके कितना उसने डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में कवर किया उसके थ्रू हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं, हमने देखा। अब टाइम भी कैसे फाइंड करते हैं वो भी देखा। उसके बाद आता है स्पीड, स्पीड कैसे फाइंड करोगे, तो स्पीड में यहाँ पे आपको इसकी इंट्रोडक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो सब लिए इन्फॉर्मेशन में रिटर्न दिया हुआ है, जो आप रीड कर लेना। मैं डायरेक्टली आपको उसका फॉर्मूला बताती हूँ, उसके थ्रू आपको सम आएंगे और वो आपको फाइंड करने होंगे। तो स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस पर टाइम टेकन, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल 120 किलोमीटर उसने कवर किया है डिस्टेंस, और उसके वो कितने टाइम में कवर किया है तो डिवाइड बाय 20 सेकंड के अंदर, यानी कि 5 मीटर 20 सेकंड में कवर किया है, तो आपको उसे आप सॉल्व करोगे तो उसकी स्पीड मिल जाएगी ऑब्जेक्ट की। तो इसके थ्रू ये फॉर्मूला अभी आपको याद रखना है और इसके भी सम आपको एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ऐसे आपको फाइंड करना है जैसे यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। और इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस कवर इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बट अगर हमें स्पीड फाइंड करनी है तो टाइम को यहाँ डिवाइडेशन मिल जाओगे तो वो आपको स्पीड मिल जाएगी। तो ये एक फॉर्मूला है जो आवर आपको नोट डाउन, द वन ऑफ द मीटर हैज किलोमीटर पर आवर रिटर्न एट वन कॉर्नर। और आपको जब भी कोई भी सम कंप्लीट कर रहे हो तो आपको किलोमीटर पर आवर या तो मीटर पर सेकेंड उसका यूनिट लिखना कंपलसरी, अगर आप वो नहीं लिखोगे तो आपका हाफ मार्क्स कट हो सकता है। मीटर फिटेड ऑन टॉप ऑफ द स्कूटर और अ मेट्रो साइकिल, जो स्पीड कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्पीड, यानी ऑब्जेक्ट यानी व्हीकल के अंदर जो स्पीड मेजर करने के लिए क्या लगाए जाते हैं, स्पीडोमीटर लगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं। जो आपने देखा हो तो कार के कॉर्नर में लिखा होता है किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है, और उसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है स्पीड, स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। देयर इज ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर दैट डिस्टेंस मूव बाय द व्हीकल, दिस मीटर इज नोन एज अ ओडोमीटर। और दूसरा भी ऐसा डिवाइस है जो स्पीड को, उसकी स्पीड या मूवमेंट वे डिस्टेंस मेजर करता है, उसे क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। वाइल गोइंग फॉर अ स्कूल पिकनिक पे, और स्कूल पिकनिक यहाँ पे वही दिया हुआ है इंट्रोडक्शन कैसे फाइंड करते हैं और वो सब। और आपको ग्राफ बनाना तो आता ही होगा, तो डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ है, तो ग्राफ बनाने आपको आते ही होते होंगे, आपको मैथ्स में आते हुए। तो ये कौन सा बार ग्राफ है, तो बार ग्राफ के अंदर ऑल टाइम क्या लिखा जाता है, यहाँ पे डिस्टेंस लिखा जाता है और एक्स एक्सिस पे टाइम लिखा जाता है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लिखा जाता है, ऐसे इसके बार ग्राफ बनाए जाते हैं। जो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जो आपको देख लेना है, और ऐसे भी ग्राफ बनाए जाते हैं जो आप परसेंटेज चीज़ के हिसाब से आप ग्राफ बनाते हैं, तो इतने परसेंटेज में ये है, इतने परसेंटेज में अदर गैसेस है, नाइट्रोजन है, ये भी एक ग्राफ हुआ। ये भी ग्राफ के कितने टाइप्स है वो आपको रीड करने हैं और रिकॉल करने हैं, अगर मैथ्स में आ गए हो तो आपको फिर से याद करने हैं। और उसके बाद इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ये चैप्टर टाइम एंड ग्राफ पोर्शन, तब आपको याद रखना है और मैं आपसे पूछूंगी। और अगर स्कूल स्टार्ट हो गई होगी तो हम वहीं पे ही करेंगे कंटिन्यू ये चैप्टर। तो यहाँ पे हम आज का पोर्शन होल्ड करते हैं और नेक्स्ट पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।